स्कूल की तरक्की के लिए महज दूसरी क्लास में पढ़ने वाले की हत्या, बलि के लिए ले जाते समय जाग होने से उतारा बड़ी ही निर्ममता से मौत के घाट। तांत्रिक पिता की बातों में आया स्कूल संचालक बीटेक बेटा, मुंह में ठूसा कपड़ा। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए पढ़े लिखे सभ्य समाज को शर्मसार करती वारदात। क्राइम रिपोर्ट के लिए उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक्सक्लूसिव पड़ताल। स्कूल परिसर में 7 साल के मासूम बच्चे की बलि से हड़कंप। स्कूल प्रबंधक समेत हत्या के 5 आरोपी गिरफ्तार। स्कूल की तरक्की के लिए 2 बच्चों की बलि देने की थी योजना। सहपुर कोतवाली क्षेत्र के राजगवा स्थित डीएल पब्लिक आवासीय स्कूल की वारदात। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 7 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। स्कूल परिसर के अंदर हत्याकांड से पूरे इलाके में खलबली मच गई। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल स्कूल प्रबंधक समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिससे पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। स्कूल प्रबंधक के पिता ने ही ये सब करवाया था, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि उनका स्कूल तरक्की कर सके। यही नहीं, उनकी तो एक और छात्र की बलि देने की भी योजना थी, लेकिन उस बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई और ये लोग फेल हो गए। वारदात सहपो कोतवाली क्षेत्र के राजगवा स्थित डीएल पब्लिक आवासीय स्कूल में सामने आई। कब से पढ़ रहा था बच्चा आपको? ये 4 साल है। 4 साल पहले कोई घटना मारपीट की? ना कोई घटना। फिर आपको कैसे पता चला? हमें पता चला उसने बाने 5:15 बजे फोन करूँ सुबह। हाँ, तुम्हारी बच्चा तकलीफ है। मैंने जन्म। हम गए वहाँ पर, भंभीरा लड़का गया और गई, पर वो माँ नहीं मिला। वाने की मैं सैफ हूँ तो बालों गाड़ी की फिर घूमना मिलो को मैं सालाबाद में ऐसी गाड़ी एक मिलो तो हमने भेज दिया। बीमार बताया और उसने बीमार हो गया तो वो खूब नहीं मिलो। फिर वो ले गो आगरा माऊँ। मैं एक लड़का ने मोटरसाइकिल चल रही थी, एक लड़का ने पकड़ लो गाड़ी दूसरी साइड पर पकड़ ली तो लड़का ने देखो तो लड़का धक्का मार के वो भाग गया, गाड़ी ले जाए। 11 वर्षीय कृतार्थ कुशवाहा का स्कूल प्रबंधक की कार से मिला था शव। पिता ने स्कूल प्रबंधक समेत अन्य के खिलाफ कराई थी नामजद FIR। स्कूल प्रबंधक दिनेश बघेल के पिता जशोधन सिंह चाहते थे 2 बच्चों की बलि देना। 6 सितंबर को बलि देने के वक्त भागकर बचाई थी कक्षा 4 के बच्चे ने जान। पुलिस कर रही थी इस मामले की जांच, तभी दूसरे बच्चे की दे दी गई बलि। स्कूल में तुरसेन निवासी 11 वर्षीय छात्र कृतार्थ कुशवाहा कक्षा 2 में पढ़ता था। कुछ दिन पहले कृतार्थ की हत्या कर दी गई थी। उसका शव स्कूल प्रबंधक की कार से बरामद हुआ था। 23 सितंबर को कृतार्थ के पिता कृष्ण कुमार ने स्कूल प्रबंधक समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज करवाया। पुलिस ने जब नामजद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है तो पता चला कि स्कूल के प्रबंधक दिनेश बघेल के पिता जसोदन सिंह ने स्कूल की तरक्की के लिए 2 बच्चों की बलि देने का प्लान तैयार किया था। 6 सितंबर को कक्षा 4 में पढ़ने वाले राज का गला घुटा, लेकिन वो चिल्लाने लगा और किसी तरह से जान बचाकर वहां से भाग गया। राज के मेडिकल में गला दबाने की पुष्टि हुई। जांच में स्कूल के पीछे लगाए गए नलकूप से पूजा पाठ का सामान भी मिला, जिससे तंत्र मंत्र की पुष्टि हुई थी। मामले की जांच चल रही थी कि तभी 22 सितंबर को आरोपियों ने कृतार्थ को अपना निशाना बना लिया और बच्चे का गला दबाकर उसे मार डाला। पता चला है? स्कूल के टीचर ने किया। आपके पास फोन आया, कोई सूचना कैसे मिली? सूचना मिली थी 5 बजे सुबह, 5:05 पे फोन आया। दिनेश बोलो कि आपके बच्चे की तबीयत खराब हो गई है। जब मेरा भाई जगा तो गाड़ी लेकर बाइक लेकर भागा, बड़ा वाला भाई जो, फिर उसका पापा भी भागा तो दोनों भागे। तो भाई ने कहा कि मेरे बच्चे को यहीं ले आओ, मगर वो नहीं लाया कि मैं आगरा ले जा रहा हूँ भर्ती करने के लिए।
बच्चा को भक्ति मैं नहीं मैं आ रहा हूँ तो भक्ति जब करने ले जा रहा है तो मैं भी आ रही हूँ आ रहा हूँ। मेरा भाई नहीं गा, मेरा भाई चला बाइक लेकर यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी है, 6 किलोमीटर में 10 मिनट लगती है। किसने मारा है आपको, क्या लगता है किसने ये काम किया? टीचर ने मारा और कौन मारेगा, एक जो प्रिंसिपल है और जो वो मैनेजर बैठता है। स्कूल प्रशासन ने कृतार्थ के पिता को फोन पर बच्चे की तबीयत खराब होना कहा। स्कूल पहुंचे तो कहा स्कूल प्रबंधक अपनी कार से बच्चे को ले गए हैं अस्पताल। बाद में मिली बच्चे की बॉडी तो कृतार्थ के पिता ने पुलिस में करवाई FIR। गिरफ्तार 5 हत्यारे अलग अलग शहरों के निवासी। स्कूल प्रशासन की ओर से कृतार्थ के पिता को फोन करके बताया गया कि उनका बेटा बीमार पड़ गया है। वो स्कूल पहुंचे तो कहा गया कि उनके बेटे को स्कूल निदेशक अपनी कार में अस्पताल ले गए हैं, लेकिन बाद में उन्हें बच्चे की सिर्फ डेड बॉडी ही मिली। उन्होंने स्कूल के प्रबंधक समेत कुछ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है वो सभी अलग अलग शहरों के रहने वाले हैं। दिनेश बघेल और जसोदन सिंह ग्राम रसगवा थाना सहपौ जनपद हाथरस, लक्ष्मण सिंह बढ़ा लहरोली घाट थाना बलदेव जनपद मथुरा, वीरपाल सिंह उर्फ वीरू बका थाना मुरसान हाथरस के रहने वाले हैं। आरोपियों ने इस बात को कबूल किया कि तंत्र मंत्र के चलते ही बच्चे की बलि दी गई थी। पढ़ लिख कर भविष्य बनाने के लिए भेजते हैं परिजन बच्चों को स्कूल। शिक्षा के मंदिर स्कूल को तंत्र मंत्र का अड्डा और यमलोक बनना चिंता का विषय। जानवर की सोच वाले स्कूल संचालक, बच्चों की दी जा रही है बलि। बच्चे के पिता कृष्ण कुमार ने मामले में रोते रोते कहा, हम अपने बच्चों को स्कूल ये सोचकर भेजते हैं कि वहां पर वो सुरक्षित रहेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा और अपना भविष्य बनाएगा, लेकिन शिक्षा का वही मंदिर तंत्र मंत्र और काले जादू की वजह से यमलोक बन जाए तो ये बड़ी चिंता की बात है। मेरे बेटे कृतार्थ का गुनाह सिर्फ इतना ही था कि वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहा था जिसे चलाने वाले इंसानों की सोच किसी जानवर से कम नहीं थी। क्राइम रिपोर्ट के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।